नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। कांकेर में नक्सलियों ने 5 ग्रामीणों की हत्या की। छत्तीसगढ़ के कांकेर और बीजापुर जिले में अलग अलग घटनाओं में माओवादियों ने 5 ग्रामीणों की हत्या कर दी। इनमें से 3 लोगों को नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर मार डाला। अनुभागीय अधिकारी पुलिस कुपलेश पात्र के अनुसार माओवादी जंगलों में इस समय शहीदी सप्ताह मना रहे हैं। इसी दौरान रविवार को माओवादियों ने कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के गीतमेटा स्लामेटा पहाड़ियों के बीच मर्राम में जन अदालत लगाई। इसमें करीब 100 माओवादी शामिल थे। लगभग 1 घंटे चली बैठक के बाद पहले से अगवा किए गए गोंदुल निवासी राहुल कड़ियाम तथा सोमा मरकाम सहित एक अज्ञात महिला के पेट पर धारदार हथियार से वार कर माओवादियों ने तीनों की हत्या कर दी। राज्यसभा में फूट-फूट कर रोई शशिकला, सरकार से मांगी सुरक्षा। तमिलनाडु से राज्यसभा सांसद शशिकला पुष्पा ने सोमवार को सदन में फूट-फूट कर रोते हुए कहा कि उनकी जान को खतरा है और उन्हें इस सदन और सरकार से सुरक्षा चाहिए। सुश्री शशिकला ने शून्यकाल की कार्यवाही शुरू होते ही कहा कि उनकी जान को खतरा है, उन्हें थप्पड़ मारा गया है और उन पर अपना पद छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे अपने सम्मान तथा अधिकारों के लिए सदन तथा सरकार से मांग कर रही हैं। यदि सदन में भी सांसद और वह भी महिला सांसद अपनी गुहार नहीं लगा सकती तो कहां लगाएगी। पूर्व मुख्यमंत्रियों को खाली करने होंगे बंगले। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को सरकारी बंगलों पर काबिज उत्तर प्रदेश के 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को झटका देते हुए कहा कि उन्हें बंगला खाली करना होगा। न्यायमूर्ति अनिल आर दवे, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने गैर सरकारी संगठन लोक प्रहरी की याचिका का निपटारा करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की उस अधिसूचना को खारिज कर दिया जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगला देने की व्यवस्था की गई थी। खंडपीठ ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को लखनऊ स्थित बंगलों को खाली करने के लिए 2 माह का समय दिया है। आजीवन बंगला पाने वाले पूर्व मुख्यमंत्रियों में एन डी तिवारी, राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, रामनरेश यादव तथा मायावती शामिल हैं। हाफिज सईद ने राजनाथ सिंह की पाकिस्तान यात्रा के दौरान दी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह पर मासूम कश्मीरियों की हत्या का जिम्मेदार होने का आरोप लगाते हुए जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद ने चेतावनी दी है कि यदि राजनाथ राक्षस के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद आते हैं तो देश भर में विरोध प्रदर्शन होंगे। हाफिज सईद ने एक बयान में कहा कि मैं पाकिस्तान सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या वह मासूम कश्मीरियों की मौतों के लिए जिम्मेदार राजनाथ का स्वागत करके कश्मीरियों के जख्मों पर नमक छिड़केगी। सईद ने कहा कि 3 अगस्त को इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा, मुल्तान, फैसलाबाद, मुजफ्फराबाद और अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे और रैलियां निकाली जाएंगी। सईद के सिर पर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम रखा हुआ है। न्यूयॉर्क पोस्ट में ट्रंप की पत्नी की नग्न तस्वीरें प्रकाशित, बवाल मचा। शहर के एक टैबलॉइड न्यूयॉर्क पोस्ट में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप की नग्न तस्वीरें प्रकाशित कर विवाद खड़ा कर दिया। ये तस्वीरें 1990 के दौर की हैं जब मेलानिया मॉडलिंग करती थी। न्यूयॉर्क पोस्ट में रविवार को पहले पन्ने पर छपी मेलानिया की नग्न तस्वीर के नीचे लिखा है, संभावित प्रथम महिला को आपने इस तरह पहले कभी नहीं देखा होगा। इन्हें 1995 में मैनहट्टन में एक शूट के दौरान लिया गया था। ये तस्वीरें फ्रांस की पुरुषों की एक पत्रिका के लिए ली गई थी। ये पत्रिका अब बंद हो चुकी है। स्लोवेनिया में जन्मी मेलानिया तब 25 साल की थी। अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।